और आप खुश आमदीद, मैं हूं अल्ताफ और आप बिजनेस पिक्सल का यूट्यूब चैनल। छोटी सी वीडियो बनाएंगे लेकिन इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे बैट्स कितनी किस्म के होते हैं और उन बैट्स के क्या मकासद होते हैं और किस किस प्लेयर को कौन कौन सा बैट पसंद आता है। हम यहाँ पे बात करेंगे काइंड ऑफ बैट्स की। बैट्स में हैवी बैट आ जाता है, लाइट बैट आ जाता है, चीप बैट आ जाता है, एक्सपेंसिव बैट आ जाता है। सर भाई कुछ दिसना में है, कोई मड़ी राइटिंग समझ अच्छी भाई। अच्छा तो ये चार तरह के बैट होते हैं बैट्स में। अब सर भी जरा बैट्स दिखाइएगा। ये वो बैट्स हैं जो कि पिछले ये बैट मैंने यूज़ किया है तकरीबन समय ले 15 साल, ये बैट मैंने यूज़ किया है कोई 10-12 साल। ये नया बैट है और ये फुसड़ बैट है। अब देखेंगे तो ये बैट कितना प्यारा लग रहा है। इस बैट की डिटेल बताऊंगा आपको। ये बैट तकरीबन 2 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये बैट वो है जो कि मैंने ताज़ा ताज़ा पसंद किया। अभी आपको मैं दो बैट दिखाऊँगा। देखने वाले बच्चों को अक्सर पता नहीं चलता कि कौन सा बैट अच्छा है और कौन सा बुरा है। अगर इस बार में कोशिश करें कि इन बैट्स की ग्रेन्स दिखा सकें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी बैट्स की ग्रेन्स में फ़र्क दिखें। ये वो बैट है कि जो जब मैंने लिया था उन दिनों में लिया था कि जब थोड़ा हार्ड टाइट होता था, पैसों की थोड़ी सी किल्लत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी भी स्पॉन्सरशिप की उम्मीद नहीं रखी जो कि आजकल ज़्यादातर लोग उम्मीद रखते हैं। स्पॉन्सरशिप के हवाले से एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस बैट की थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ। बेसिकली ये बैट किसी दोस्त ने यूज़ किया था और वो सेल करना चाह रहे थे, वो नया बैट लेना चाह रहे थे। ये बैट हमने टीम ने पैसे इकट्ठे करके लिया था उस टाइम और ये गालिबन सीए का बैट था और बाद में इसको हमने इस्तेमाल किया। अब इस बैट की ग्रेन्स देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये उन बैटों में से है कि जिसके पूरी टीम ख्वाहिश करती थी कि उसने इस बैट से खेलना है और ये बैट अल्हम्दुलिल्लाह उन बैटों में से एक है कि जो कि मैंने मेरे फेवरेट 3 बैट्स में से है। इस बैट की इस हालत में भी मेरी नज़र में वर्थ लाखों की रुपये है। ये बैट मैं कभी किसी को देना नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ये बैट ना टूटे। ये जो फीलिंग्स है इस बैट के हवाले से ये सिर्फ मेरी नहीं है, जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि बैट की क्या अहमियत होती है। ये लाइटर बैट था, अभी देखें कि आप इसकी ग्रिप वगैरह भी नहीं चढ़ी, लेकिन इसका मिडल बहुत अच्छा था और ख़ास तौर पर जब आप इससे पंच वगैरह करते थे तो बहुत मज़े का रिएक्शन ये देता था। कैमरामैन जो हमारे हैं वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए। दूसरा बैट मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये बैट सर भी जरा करीब से दिखाइएगा। इस बैट की जरा हालत देखें आप। ये एक नॉर्मल हार्ड बॉल का बैट है और ये बैट है। आप डिफरेंस का अंदाज़ा लगाएं इस बैट की थिकनेस चेक करने की, ये कितना मोटा है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये वो बैट है कि जिससे अगर आप छक्का मारते हैं 60 मीटर का तो ये बैट अपने दम पे उस छक्के को 100 मीटर पे ले जाएगा। मोटू बैट। अब ये जो बैट है ये मार्केट में ऑलमोस्ट ना होने के मुताबिक है, लोगों के पास ये बैट मैसर नहीं होता और ये बैट अच्छा खासा हैवी है। अब इस बैट का नुकसान ये है कि अगर आप इसे पुल मारेंगे या कट मारेंगे तो आप लेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सीधा सीधा खेलते रहेंगे या सीधे पावर हिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये बैट आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। अब इन बैट्स में से ये जो बैट है इसकी बड़े मज़े की कहानी है। इसकी कहानी ये है कि ये बेसिकली दो बैटों को जोड़ के बनाया गया। सार भाई दो बैटों को जोड़ के बनाया गया। इसमें से एक बैट ऐसा था जो कि गालिबन मेरा दोस्त है काशिफ श्री उसका था, जो कि फ्रंट से ठीक था, जो बैक से ठीक था, और एक बैट था निसार भाई का जिसका फ्रंट ठीक था। उन दोनों को बीच में से काटा गया, फ्रंट बैक लगवाया गया और इसको सेट किया गया और ये बैट इतना तगड़ा है कि मैंने लाइफ में जो सबसे मतलब एक यादगार इनिंग्स खेली सीमेंट पे थी, लेकिन उसमें मेरे ख्याल है मैंने सिर्फ 9 के 10 छक्के मारे थे। उसकी रीज़न ये थी कि सिर्फ इस बैट को, इसको आप बर्गर बैट भी कह सकते हैं, मैच करते थे और छक्का हो जाता था। मतलब ये बैट देख के मुझे याद आया था क्रिस गेल। मोटे बैट्स का ये फ़ायदा है कि अगर आपका मिडल नहीं भी होगा तो वो आपके शॉट को 6 में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है कि ये आपको टाइम करना, थोड़ा सा भी फास्ट बॉलर हो तो आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर सकती। अच्छा यहाँ पर जो बात आ रही है कि ये सस्ता बैट है या महंगा बैट है, आपके सामने है ये बैट। दोनों बैट टूट चुके थे, दोनों बैट जीरो थे, उनको जोड़ के ये बैट बनाया था और बहुत आउटस्टैंडिंग बैट था। ये जो बैट उस समय हमने मेरे ख्याल लिया था शायद 4-5 हज़ार रुपये का, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बैट का मुकाबला मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो 50,000-1,00,000 रुपये के बैट्स हैं उनसे मैं इसको बेहतर कंसिडर करता हूँ। अब आते हैं नए बैट्स पे, जो बैट्स आजकल आ रहे हैं। अब ये जो बैट्स हैं ये दोनों मैंने रिसेंटली परचेज़ किए हैं
और दोनों अपनी ज़ात के लिए किए हैं। इन दोनों की आप हालत देखें, बड़े साफ़ सुथरे आपको लग रहे होंगे अगर आप इनकी थिकनेस देखें तो, ठीक है। अब इन दोनों बैट का मैं फ़र्क बताता हूँ। यहाँ पर ये जो फ़र्क है ये उन दोस्तों के लिए है कि जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। ये बैट मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और एक दोस्त यार ने रिकमेंड किया था कि ये बैट अच्छा है, प्राइस उसकी अप्रॉक्सीमेटली मेरा अपना ख्याल है कि शायद 12 और 15 हज़ार रुपये के दरमियान था। पूरा किट बैग था इसलिए मुझे याद नहीं है, और उस अल्लाह के बंदे ने मुझे बिल भी नहीं दिया था इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन परचेजिंग करना थोड़ा सा होने वाला काम होता है कि ये बैट मेरे पास आ तो गया लेकिन इसका बिल नहीं दिया मुझे उन्होंने और मुझे पता भी नहीं चला। अब ये बैट मैंने इससे नॉकिंग करके देखी है, बस ठीक किया गुजारा ही है, ठीक है। मतलब मैं इसको मार्क्स देता हूँ 100 में से बमुश्किल 60, 50 और 60 इस बैट को, ठीक है। ये नई परचेजिंग है। अब ये बैट GM का, अब देखने में कितना प्यारा लग रहा है सार भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है, फेयर एंड लवली यूज़ करता रहे बैट। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि ये बैट मैंने किसी को ट्रस्ट करके मंगवाया तो उतना मज़ा नहीं आया। अब दूसरा बैट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैट वो है कि जो मैंने रात में परचेज किया था, और ये बैट इतना आउटस्टैंडिंग लग रहा है, इतना तगड़ा लग रहा है। मैंने इसमें नेट में देखी है, ये बेसिकली है शेर अमीन का, मलिक का, MB का। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ जल्दी जल्दी से, वो ये कि मेरे भाई ये जो GM का बैट आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली GM का नहीं है, ये पाकिस्तान में तैयार हुआ बैट है, थोड़ी सी गुजारे वाली इंग्लिश विलो है बैट है, और उसके ऊपर आपको GM का स्टिकर लगा दिया जाता है, MRF का स्टिकर लगा दिया जाता है, और ये मार्केट में 5,000 से लेकर 15-20 जिस मर्जी बैट पे आप लगा लें, ये ओरिजिनल बैट नहीं है, ठीक है। लोग ये समझते हैं, बहुत सारे मेरे भोले क्रिकेटर वो ये समझते हैं कि जो चीज़ उनको मिल रही है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, MRF है उसमें, GM है, आजकल बाबर आजम और रिजवान ग्रे निकल से खेल रहे हैं तो उसकी बड़ी बात हो रही है। थक गया यार बोल बोल के। MBA शेरे। अच्छा, अभी हम बात करेंगे इस बैट की। ये बैट मैं इस मार्केट में कुछ लेने के लिए और गया था, लेकिन ये बैट 10-15 बैट मेरे सामने फ्रेश पे पड़े थे तो उनमें से मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। और जैसे क्रिकेटर्स की आदत होती है कि कोई भी बैट पड़ा होता है और उठा के ज़रा वो साइज मारने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने भी यही किया उससे। लेकिन मैंने फील किया कि ये बैट जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर मैंने इस पर बॉल शॉट मार के देखे, इसके साथ के मैंने और बैट निकाले, मतलब थोड़ा सा इरादा बन गया कि यार एक बैट ले लेते। हालांकि मुझे बैट की ज़रूरत नहीं थी, इन बैट्स के अलावा मेरे पास 4 से 5 बैट मौजूद होंगे, मतलब मेरे अपने पर्सनल 8 से 10 बैट है, और मतलब वो यूज़ ना भी हो लेकिन पड़े हुए हैं। अब जब ये बैट लिया गया तो ये मेरे भाई बैट जो है ये महंगा बैट नहीं है, इसकी कीमत 10,000 के माइनस प्लस होगी। सामान मैंने ज़्यादा लिया था, मुझे भी एग्जैक्टली अमाउंट नहीं याद, 10,000 रुपये के माइनस प्लस में ही मैंने बैट लिया था। लेकिन जब मैंने ये बैट परचेज किया था तो मुझे ये सिलेक्ट करते करते शायद आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, शायद एक घंटा भी लग गया, और मुझे लगता है कि मैंने उस दिन वीडियोज़ भी बनाई थी। तो ये बैट इस साल में ही देखा हो, इस साल में ये बैट आपने यूज़ किया था, आपको क्या लग रहा है कैसा बैट? बहुत अच्छा बैट था, बहुत ज़बरदस्त बैट, मुझे मुझे लगता और है वेट बहुत ज़बरदस्त वेट था इसका। मुझे लगता है कि इस बैट में अगर प्रॉपर नॉकिंग शॉकिंग की जाए तो जैसे मेरे पास पुराने 15-15 साल पुराने बैट पड़े हुए हैं, ये बैट में भी उनमें से एक निकल सकता है। हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी कि काइंड ऑफ बैट्स हमने हैवी बैट की बात की कि अगर आप भारी बैट यूज़ कर सकते हैं तो आप भारी बैट तैयार करें और अपने मसल्स को ज़रा पावरफुल रखें, लेकिन हैवी बैट जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद उनको देता है जिन्होंने पावर हिटिंग करनी होती है। दूसरे नंबर उन्होंने बात की लाइट बैट की, देखें लाइट बैट आपको तगड़ा मिल जाए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितनी थिकनेस कम होती जाएगी बैट की मजबूती उतनी कम होती जाएगी, और उतनी ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आपने मिडल में खेलना है, ना आप नीचे से खेल सकते हैं, नीचे लगा तो टूटने के चांसेस, ऊपर लगा तो टूटने के चांसेस। सार भी सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बहुत गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड। दूसरा चीप बैट, मार्केट में आप जाते हैं आपकी कोशिश ये होती है कि 5,000 रुपये में वो बैट मिल जाए जिसकी क्वालिटी 50,000 रुपये की है, उसका एक ही शॉर्टकट है, एक ही तरीका है मेरे भाई, मार्केट में आप जाएँ, तसल्ली से ज़्यादा से ज़्यादा बैट्स निकाल के देखें, उनको ज़रा फील करें और उनको ला के चेक करें। लेकिन एक आखिर में मैं आपको एक और टिप भी दूंगा, एक्सपेंसिव बैट, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई हम पैसे खर्च करेंगे, महंगा बैट लेंगे और वो बल्ला के खुद छक्के मारेगा, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं होता। जब आप बैट लेके जाते हैं आप उससे प्रैक्टिस करनी होती है, उसको नॉक करना होता है, उसकी ग्रेन्स को क्लियर करना होता है, जब ग्रेन्स बन जाती हैं छक्के जो लगते हैं इस शेप में छक्के लगाना बहुत मुश्किल काम है, जब बैट इस तरह का तैयार हो जाता है तब जाके छक्के लगते हैं और तभी मज़ा आता है बारी करने का, ठीक है मेरे भाई। तो बात यह है कि पैसों से अच्छा बैट नहीं खरीदा जा सकता।
आप ये समझते हैं कि आप मार्केट में जाएंगे 50,000 रुपये लगाएंगे, या आजकल वो एक बैट आ रहा है सी ए मॉर्गन का, आप 90,000 रुपये का बैट लाएंगे और आप जो आगे बाबर आजम जैसी बारी करेंगे? ऐसा नहीं है। बाबर आजम को आप 30 भी पकड़ा देंगे तब भी उसमें वो क्लास नजर आएगी, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की हुई है, उसने अपने फुटवर्क पर काम किया हुआ है, उसने अपनी बेसिक्स पर काम किया हुआ है, वो जो उसकी मेहनत है वो उसकी बैटिंग में नजर आती है। तो एंड रिजल्ट ये है कि भाई बैट का कमाल नहीं है, बैट्समैन खुद बहुत तगड़ा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैट्समैन को पता हो कि उसको कौन सा बैट सूट करता है, कौन सा बैट सूट करता है, कौन सी कंडीशन सूट करती हैं। अगर बॉल ज़्यादा हाई आ रहा है तो मैंने क्या कौन सा बैट यूज़ करना है। अक्सर बैट्समैन आपने देखे होंगे कि वो शुरू में इस तरह के बैट यूज़ कर लेते हैं, और लेकिन जब एंड में पावर हिटिंग करनी होती है तो वो अपना कोई पुराना बैट मंगवाते हैं या कोई हैवी बैट मंगवाते हैं और उससे जाके हिटिंग करते हैं। सर भाई आपने कभी कुछ ऐसा किया हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि शुरू में नीचे ग्राउंड शॉट खेल रहे हो तो आपके पास अपना नया बल्ला होना चाहिए, जब आप पुराना बल्ला या इस्तेमाल उसको पावर हिटिंग के लिए यूज करते हैं, जिस बैट में आपको एतबार होता है उस पर जाके आप पावर हिटिंग करते हैं, आपको पता होता है कि भाई मैं इसको मारूंगा और ये फील्डर के सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपना कोई अगर फीडबैक है तो वो कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि और काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स लिखे थे वो उन पर भी हम वीडियो बनाएं, कोशिश यही करेंगे कि क्रिकेट से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाएं। बहुत सारे टॉपिक जहन में है लेकिन वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर करते हैं। बस आपने करना है कि जब भी आप किसी शॉप में जाएँ तसल्ली से बैट को चेक करें, और ज़रा बैट चेक कैसे करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बैट चेक करने के लिए सबसे पहले मैं वैसे कैसे बैट सेट करता हूँ, मैं सबसे पहले जब बैट मेरे सामने ज़्यादा पड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़्यादा सारे बैट पड़े हैं, तो सबसे पहले मेरा जो तरीकाकार होता है कि मैं सबसे पहले उनकी ग्रेन्स देखता हूँ कि यार किसका कितना साफ है, ग्रेन्स किसी साफ है, कहीं सेंटर में गिरा ना हो, कहीं से कोई टूटा हुआ ना हो, कोई ऐसी बुरी चीज़ ना हो। अब इनमें से सबसे पहले मैं वो बैट सेलेक्ट करूँगा जो सबसे ज़्यादा क्लियर होगा, नीट एंड क्लीन होगा, जिसकी ग्रेन्स होगी। दूसरे नंबर पर उनकी मैं थिकनेस चेक करूँगा, मुझे ज़ाती तौर पे वो बैट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कि वो बैट ज़्यादा दमदार होता है। मेरा पुराने बैट की अगर शेप देखें, ये शेप आजकल आपको देखने में नहीं मिलेगी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे शेप्स के नाम नहीं पता, लेकिन इसके भी यहाँ पे नीचे थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, ये बैट बड़े मज़े का रिएक्ट करता था। तीसरे नंबर पे जब बैट फाइनल हो जाते हैं, आप 50 में से 5 बैट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है कि आप उसका बैलेंस चेक करते हैं, आप पकड़ के चेक करते हैं कि आपको हाथ में कौन सा फील अच्छा आ रहा है, आप कौन सा बैट पकड़ते हैं तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टेप और भी होता है कि दुकानदारों ने अमूमन बॉल रखे होते हैं, वो टेक्निक मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए, वो ये है कि वो बॉल बल्ले पे मार मार के चेक करते हैं, और जो उनका बल्ला ज़्यादा रिएक्ट करता है, ज़्यादा पंच क्रिएट करता है, ज़्यादा पिंग क्रिएट करता है, उसको वो फाइनल कर देते हैं। और एंड में जब आपके 5 में से 2 बैट रह जाते हैं, पैसे हैं तो दोनों ले लें, वरना एक बैट आप फाइनल करते हैं, और उस बैट को फाइनली किसी जब प्रॉपर लंबी जगह पे आप उससे खेलते हैं तो आपको पता लगता है कि वो बैट कैसा है, और तभी आपको उसके रिजल्ट का पता लगता है। आप दुकान में नहीं चेक कर सकते कि आपका बैट मैच में कैसा रिएक्ट करेगा, आपका सस्ता बैट समटाइम बहुत अच्छा निकल आता है, आपका समटाइम महंगा बैट फजूल निकल आता है। मतलब थोड़ा सा ना ये, बल्कि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी वीडियो छोड़ूंगा वीडियो में कि आप लोगों को क्या लगता है कि बैट को सिलेक्ट करने में आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बैट को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम बैट सेलेक्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, कि हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है। आप लोगों का इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है? मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़। MB मलिक शेर अमीन निकिया जल्दी आई, जरा दो ही बॉल डाले, दो तीन बल्कि वो बड़े आ जाए, इधर आ जाए। जब आप बैट फाइनल कर लेते हैं तो हार्ड बॉल से, मैं सॉफ्ट बॉल से कह रहा हूँ लेकिन हार्ड बॉल से आपने ये प्रैक्टिस कर ली कि अंडर आप आगे राइट जाएंगे, ठीक है? इनिशियली अगर आप सॉफ्ट भी पंच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉल क्या रिएक्ट कर रहा है। लास्ट 500 बॉल्स, ठीक है भाई,
जीतता भाई, शर्ट लगे थक गए आप, कुछ रह गया? जितने मैंने आपको मशवरे दे दिए तो उम्मीद है कि अब आप जो बैट सेलेक्ट करेंगे वो अच्छा ही निकलेगा। अगर उसके बाद भी बुरा निकलता है तो भाई जान किस्मत अपनी अपनी, तरसीब अपना अपना। नेक्स्ट वीडियो के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। 0312-504-5595। अगर आपको बॉलिंग मशीन चाहिए और आप अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा।